YouTube चैनल JMV मिस्टर सोफा द फैक्ट्री आउटलेट। गाइस आज हम फिर आए आपसे मिलने के लिए। टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सोफा कम बेड के रिगार्डिंग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सोफा कम बेड कैसे बनता है, उसमें क्या क्या सामान यूज होता है, कौन कौन सी मशीनरी उसके अंदर रखती है, तो सारा बताएंगे आप। हाँ, वीडियो इंजॉय करो। गाइस ये रहा सोफ़ा कम बेड, स्पेशियस, स्टोरेबल। ये देखिए इस तरीके से खुलता है, बहुत इजी, लिफ्ट करके आराम से देखो, बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, बहुत इजीली ये सोफ़ा कम बेड बन गया है। और ये साथ में है इसके स्टोरेज, हम ये चाहें तो सारे पिल्लो इकट्ठा करके स्टोरेज के अंदर डाल सकते हैं, काफ़ी सारा स्पेस है देख सकते हैं जैसे आप। और इजी टू लिफ्ट है, बहुत इजीली बंद, वन हैंड से बंद हो जाता है, बिल्कुल इजी। बंद करने में बहुत आसान है, देखो उसको लिफ्ट करके अंदर डाला और इसको ड्रैग करके अंदर ले गए। ये व्हील्स है गाइस, इसी व्हील से जो सोफ़ा कम बेड का अंदर का जो पोर्शन निकलता है वो इसी व्हील के ऊपर चलता है, यही उसको सपोर्ट करते हैं इजीली अंदर और बाहर आने में। ये देखिए इस तरीके से व्हील सारे लगते हैं। ये देखिए गाइस कितने इजीली ये अंदर और बाहर हो रहे हैं, इसके नीचे आगे और पीछे दोनों तरफ व्हील्स लगे हुए हैं, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है ये। फ्रेंड्स ये चैनल है जिससे अंदर का जो कम बेड है बाहर आता है, इसी चैनल से अंदर का कम बेड बाहर आता है, आप देखिए। ये देखिए लड़का कम बेड निकाला बाहर, अब ये बाहर निकाल के इसी चैनल से इसको लिफ्ट करके ये देखिए ये प्रॉपर आ गया, इसके ऊपर पूरा मैट्रेस आएगा, ये सोफ़ा कम बेड बन गया। इस तरह से सारा वर्क करता है। ये जो है फ्रेंड इसकी एंगल रॉड है, ये शॉकर है जिससे जो स्टोरेज पार्ट है वो ओपन होता है, ये इस तरीके से यहाँ लगाई जाती है। और ये सारा जो इसका स्टोरेज पार्ट है, ये जो इसका मैट्रेस है, इसी एंगल्स के ऊपर होता है, ये इस तरीके से खुलता है।
ये बंद होता है। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरा चैनल JMV मिस्टर सोफा द फैक्ट्री आउटलेट ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।